हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड। हमारे इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स है मीनिंग, डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड वांट, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, काइंड्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में मांग किसी माल या सेवा की वह मात्रा होती है जिनको उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर खरीदने को तैयार होते हैं। अगर कीमत अधिक हो तो वह माल या सेवा कम मात्रा में खरीदी जाती है, और यदि कीमत कम हो तो वह माल या सेवा अधिक मात्रा में खरीदी जाएगी। प्राय कहा जाता है कि यदि एक तोते को अर्थशास्त्र के प्रत्येक उत्तर में पूर्ति तथा मांग रटा दिया जाए तो वह एक अच्छा अर्थशास्त्री होगा। डेफिनेशन, प्रोफेसर बेनम के अनुसार किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड वॉन्ट, मांग तथा आवश्यकता में अंतर। मांग तथा आवश्यकता एक दूसरे से बहुत मिलती है, जुलती है, फिर भी इन दोनों के शब्दों में बहुत अंतर होता है। मांग, हम किसी भी वस्तु की मांग किसी भी समय पर कर सकते हैं, लेकिन मांग के लिए हमारे पास उस वस्तु को खरीदने की पैसा होना चाहिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए कीमत होनी चाहिए, हमारी इच्छा भी होनी चाहिए और समय भी होना चाहिए। लेकिन जो इच्छा है वो हम किसी भी वस्तु की खरीद कर सकते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, भले उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ना हो, कीमत ना हो देने के लिए उसको। हमें मांग तालिका, मांग की तालिका मूल्य तथा मांगे गई मात्रा में फलक संबंध को बताती है, एक दूसरे के ऊपर दोनों चीज डिपेंड करती है। मांग तालिका वह तालिका है जो किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्यों पर उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं को बताती है। प्रोफेसर बेनम के शब्दों में किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है, यदि उस वस्तु की उस मात्रा की एक सारणी के रूप में लिखा जाए तो यह मांग सारणी कहलाती है। मांग की तालिका दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार की मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका, ये सारणी व्यक्ति विशेष के संबंध में यह जानकारी प्रदान करती है कि वह किसी समय विशेष में दी गई कीमत पर उस वस्तु की कितनी मात्रा को खरीदता है। इस प्रकार मांग तालिका किसी वस्तु या सेवा की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के क्रियात्मक संबंध को प्रकट करती है। एक व्यक्ति की किसी वस्तु की मांग तालिका इस प्रकार है, प्राइस और डिमांड। किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए है। उस वस्तु की मांग जो की जा रही है वो 10 रुपए पर 5 रुपए की जा रही है, 20 रुपए पर 4 किलो। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वस्तु की मांग कम होती जा रही है। माना किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति किलो है, तब उसकी मांग 5 किलोग्राम की जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है हमें साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वस्तु की मांग कम होती जा रही है। अब आता है नेक्स्ट, बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका को दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, विभिन्न वस्तुओं की व्यक्तिगत मांग तालिका को जोड़कर या कुछ प्रतिनिधि क्रेताओं की व्यक्तिगत मांग तालिकाओं को जोड़कर। अतः विभिन्न कीमतें तथा उनसे संबंधित कुल मांगे मिलकर एक बाजार की मांग तालिका का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल, माना एक बाजार में केवल 3 व्यक्ति एक्स, वाई और जेड है, और किसी भी वस्तु के लिए इन व्यक्तियों की मांग तालिका इस प्रकार है, प्राइस और डिमांड। प्राइस वही 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए और 20 रुपए। एक्स व्यक्ति द्वारा, वाई व्यक्ति द्वारा और जेड व्यक्ति द्वारा कितनी कितनी डिमांड की गई है। एक्स व्यक्ति द्वारा 8 किलो, 6 किलो, 4 किलो, 2 किलो दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है। इसी प्रकार वाई व्यक्ति के द्वारा भी 20 किलो, 16 किलो, 12 किलो, 10 किलो और इसी प्रकार जेड व्यक्ति के द्वारा 10 किलो, 8 किलो, 5 किलो, 2 किलो। जो कुल डिमांड है वो हमारी टोटल 38 किलो की गई है, 10 रुपए पर, 12 रुपए पर 32 किलो, 15 रुपए पर 21 किलो और 20 रुपए पर 14 किलो की गई है। तालिका से स्पष्ट है कि अंतिम स्तंभ संपूर्ण बाजार की कुल मांगों को बताता है। अतः प्रथम और अंतिम स्तंभ मिलकर बाजार की मांग तालिका को बताते हैं। अतः व्यक्तिगत मांग तालिका तथा बाजार मांग तालिका एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। डिमांड कर्व, मांग रेखा। किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी कितनी मात्राएं मांगी जाती हैं, मांग रेखा इसको बताती है। मांग तालिका की भांति मांग रेखा भी दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका की तरह ही व्यक्तिगत मांग रेखा, उसी प्रकार बाजार की मांग तालिका की तरह ही बाजार की मांग रेखा। व्यक्तिगत मांग रेखा, मांग की तालिका के आधार पर खींची गई रेखा व्यक्तिगत मांग रेखा कहलाती है। डायग्राम में हमारे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमने ओ वाई पर प्राइस को दिखाया और ओ एक्स पर हमने डिमांड को दिखाया है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे वस्तु की मांग भी कम हो रही है। इसी प्रकार बाजार मांग की मांग रेखा बाजार मांग तालिका के आधार पर खींची गई मांग रेखा होती है, उसको बाजार की मांग रेखा कहते हैं। काइंड्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार।
किसी वस्तु या सेवा की मांगी जाने वाली मात्रा मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करती है, वस्तु या सेवा की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत। इस प्रकार मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी मांग तीन तरह की मांग होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइस डिमांड। मूल्य मांग किसी वस्तु की इन मात्रा को बताती है जो कि एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को तैयार होता है यदि अन्य बातें समान रहती हैं। डायग्राम में हम दिखाई दे रहा है ओ वाई पे हमने प्राइस को दिखाया है, ओ एक्स पे हमने डिमांड को दिखाया है। इसका अर्थ है कि मूल्य तथा मांग में उल्टा संबंध होता है, यदि मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। अब आता है दूसरा पॉइंट इनकम डिमांड। आय मांग किसी वस्तु या सेवा की उन मात्रा को बताती है जो कि एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार होते हैं यदि अन्य बातें समान रहती हैं। आय मांग रेखा को जर्मनी के पुराने शास्त्री एंजल के नाम पर एंजल रेखा भी कहते हैं। आय मांग रेखा दो प्रकार की होती है, श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग और घटिया वस्तुओं की मांग, सुपीरियर गुड्स। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ऐसी वस्तुओं को आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तुएं कहते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं आराम की वस्तुएं होती हैं। डायग्राम ने हमने दिखाया है ओ वाई पर इनकम को दिखाया और ओ एक्स पर डिमांड को दिखाया है। जिससे स्पष्ट है कि ओ आई आय पर वस्तु की ओ क्यू मात्रा मांगी जाती है, यदि आय बढ़कर ओ आई वन हो जाती है तो वस्तु की मांग भी बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। अब आता है इन्फीरियर गुड्स। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग आय वृद्धि के साथ घटती जाती है, जैसे डालडा घी की जगह लोग आय बढ़ने पर देसी घी का प्रयोग करने लगेंगे। वही डायग्राम ओ वाई पर इनकम और ओ एक्स पर डिमांड को दिखाया है, जिससे स्पष्ट है कि ओ आई पर वस्तु की ओ क्यू मात्रा मांगी जाती है और आय के बढ़ने पर ओ आई वन होने पर वस्तु की कम मात्रा ओ क्यू वन मांगी जा रही है। थर्ड पॉइंट है हमारा क्रॉस डिमांड यानी कि आड़ी मांग। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वैकल्पिक वस्तु वह होती है जो कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, जैसे कोका कोला एवं पेप्सी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है। डायग्राम में हमने दिखाया है ओ वाई पर हमने कोका कोला की कीमत को दिखाया है और ओ एक्स पर हमने पेप्सी के अमाउंट को दिखाया है। जिससे स्पष्ट है कि यदि वाई वस्तु का मूल्य ओ पी से बढ़कर ओ पी वन हो जाता है तो एक्स वस्तु की मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाती है। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें मुख्य वस्तु के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रेड के साथ बटर। जैसे ब्रेड की मांग बढ़ती है तो उसके साथ खाने के लिए बटर की मांग भी बढ़ेगी। पूरक वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है। डायग्राम ने हमें दिखाया है ओ वाई पर हमने वाई वस्तु की प्राइस को दिखाया है जो हमारी बटर की कीमत है और ओ एक्स पर हमने अमाउंट दिखाया है इसका ब्रेड का। जिससे स्पष्ट है जब वाई वस्तु की कीमत ओ आई से बढ़कर ओ आई वन हो जाती है तो एक्स की जो अमाउंट है वो भी ओ क्यू से कम को ओ क्यू वन हो जाता है, अर्थात दोनों में उल्टा संबंध होता है। अब आता है हमारा मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। फर्स्ट पॉइंट है वस्तु की कीमत। मांग पर प्रभाव डालने वाले तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व वस्तु की कीमत होती है। ऐसा इसलिए कि वस्तु की कीमत में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटेगी। अब आता है उपभोक्ता की आय। एक व्यक्ति कितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है यह बात उसकी आय पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो उसके द्वारा किसी वस्तु को खरीदने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनकम है ही कि वह किसी भी वस्तु को परचेस कर सकता है। अब आता है उपभोक्ता की पसंद। जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार फैशन में परिवर्तन होने से पुराने डिजाइन के वस्त्र, आभूषण इत्यादि बाजार से हटते चले जाएंगे और बाजार में नए प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मांग बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है धन का वितरण। विभिन्न लोगों के बीच धन का वितरण किस प्रकार से है यह भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव डालता है। जैसे यदि धन का वितरण असमान है एवं अमीरों के पास ज्यादा धन है तो लग्जरी वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी, और लेकिन यदि वितरण समान है तो आवश्यक वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। यदि भविष्य में कुछ वस्तुओं की कीमत में और अधिक वृद्धि होने की आशा है तो उसकी मांग बढ़ती है। इसके विपरीत यदि भविष्य में कीमत गिरने की आशा है तो मांग में कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु तथा मौसम। जाड़े के दिनों में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है और गर्मी के मौसम में सूती कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं।
स्थानापन्न वस्तु वह होती है जो एक वस्तु के स्थान पर प्रयोग की जाती है, और जैसे चाय तथा कॉफी। पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो साथ साथ प्रयोग की जाती है, जैसे ब्रेड तथा कार।